तीसरे सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन रविवार को हुआ। समापन पर कोतवाली थाने से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई भगवान महावीर टाउन हॉल पहुंची, जहां नुक्कड़ नाटक, गीतों एवं डेमो के माध्यम से वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही सप्ताह के दौरान आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल व अन्य अतिथियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तीसवे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का रविवार को समापन हुआ। जिला मुख्यालय पर इस दौरान जागरूकता रैली निकालने के साथ भगवान महावीर टाउन हॉल में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। सप्ताह के तहत रविवार को कोतवाली थाने से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शरीक स्कूली बच्चों ने अलग अलग वेशभूषा धारण की। इसके अलावा तख्तियों और बैनर पर सड़क सुरक्षा के नारे लिखकर आमजन को जागरूक किया। ये रैली कोतवाली थाने से रवाना होकर स्टेशन रोड से गुजरती हुई भगवान महावीर टाउन हॉल पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। टाउन हॉल के बाहर पहुंचने के बाद रैली के समापन अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान केएन के वाहन से सीट बेल्ट की महत्ता समझाने के लिए एक डेमो व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। रैली के समापन के बाद भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालू राम और जिला परिवहन अधिकारी टीकू राम पूनर बतौर अतिथि मौजूद रहे। यहां सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अतिथियों ने सम्मानित किया। तीसवे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का शुभारंभ बाड़मेर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बीते सोमवार को वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर किया था, जिसके बाद 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन विभिन्न जागरूकता गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इस 7 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के रविवार को हुए समापन अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की।